मेरे पीछे आपको दिख रहा है मसूरी और मैं हूँ उससे 1000 फुट ऊपर ऐसे गांव में जो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था, जिसके बारे में रिलेटिवली थोड़े से कम लोग जानते हैं। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी नेचुरल ब्यूटी आज की वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादा देहरादून हरिद्वार दिल्ली हरियाणा पंजाब मगर हमने जाना है। तू मॉल रोड पे आ गया, प्राइवेट 150 रुपए करो। मसूरी से आप जब ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हो, पहले 1 किलोमीटर तो ठीक है, उसके बाद जो ना गलियां बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, बंदा फिंगर क्रॉस करके चलेगा कि बाबूजी सामने से कोई आ ना जाए, वरना एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो थोड़ी पेशेंस चाहिए इस जगह के लिए। कोई भी गाड़ियां साइड पे खड़ी करता है डिलीवरी के लिए आते हैं ना, तो वैसे ही सड़क टाइट है। गाड़ियां बहुत सारी आ गई हैं पार्किंग लगाने के लिए, मगर पार्किंग का रेट पता है क्या मम्मी? 150 रुपए घंटा। हाँ, प्रीमियम जगह पे आए हो ना। पहुंचोगे तो सबसे पहले आएगा जी चार दुकान एरिया। फेमस कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पे 4 दुकानें थी, अब कुछ 6 हो गई हैं, मगर पार्किंग अगर अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो थोड़ी सी लिमिटेड। माता जी यहाँ की ना जिंजर लेमन टी बड़ी फेमस है, एक है वो मिलाते हैं आपको, इसलिए मैं घर से दूसरी चाय भी पी के आई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आयो हनी जिंजर लेमन टी। तो जी कितने साल हो गए अनिल कैफे को? 50 साल। 50 साल और आपको यहाँ कितने साल हो गए? मेरे को भी 50 साल हो गए। 72 से। 72 से? अरे वाह क्या बात है। चाय आ गई हमारी बन गई जी। ओके ओके। How is it? Perfect. Yeah, especially for your cold, no? Perfect when you're under the weather. Yeah, I used to, minus the ginger, this is what I used to drink at home all the time whenever I don't feel well. Okay. Yeah. ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੈਂ ਵਾਈ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ये इस छोटी सी विलेज का छोटा सा गांव है जो 4 दुकानें, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है 4 दुकान 24 मकान, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सारा कैंटोनमेंट एरिया है और यहाँ पे डीफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगा लो कि कई सारे होटल्स जो हैं वो यहाँ पे बन नहीं सकते। और वॉकिंग ट्रेल जो है ना इसकी बड़ी अमेजिंग है, तो अगर तो आप चाह रहे हैं ऐसी सिटी जहाँ पे भैया बहुत कुछ करने के लिए हो तो वो अलग बात है, मगर जिस पर्पज़ से हम यहाँ पे आते हैं शहरों से दूर कटने के लिए और नेचर इन्जॉय करने के लिए, उससे बढ़िया यहाँ पे कोई जगह नहीं हो सकती। माता जी कहते हैं यहाँ पे जो दुकानें हैं ना 50-50, 60-60 साल पुरानी, और मार्केट तो 1912 का यहाँ पे बोर्ड ही लगा हुआ है। और जब पीछे चर्च दिखा ना, अंग्रेजों का बनाया हुआ चर्च है, और ये नहीं कि रीसेंट है, ये इतना पुराना कि जिम कॉर्बेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ। जिम कॉर्बेट के पापा मम्मी की शादी यहाँ पे हुई थी। सर ये कितनी पुरानी शॉप है? दुकानें हैं सर ये, वैसे ये जो मार्केट इस्टेब्लिश हुआ 1840 में। ओके। और हम लोग को हो गया यहाँ पे करीब 120 ईयर्स। 120? आपकी फैमिली को? हमारी फैमिली को, सेम प्लेस, फिफ्थ जनरेशन। ओके, फिफ्थ जनरेशन। आई एम द फोर्थ, ही इज द फिफ्थ। ओह वाओ, लवली। ब्रिटिश टाइम में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर आए यहाँ पे एज अ पोस्टमैन। अच्छा, ओके। और ये शुरू किया हमारे ग्रैंडफादर ने, जो ये टी शॉप, ये शॉप शुरू की हमारे ग्रैंडफादर, और उनके फादर यहाँ आए एज अ पोस्टमैन। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बात है। आराम से, आराम से मम्मी, आराम से। आप तो दौड़ लगा दिया है। चाय भी है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Been a couple more stare on those. There we are.
We should complain to the Britishers, no? 1839 में कहते हैं कि इसकी जो ना कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1840 के आसपास ये खुला था और वजह ये कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सैनिटोरियम एक बनाया था, यानी यहाँ पे लगा लीजिए इलाज करने की जगह, जहाँ पे उस टाइम के टीबी के मरीज या फिर जिन लोगों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी दिल्ली की हैं माता जी, वो यहाँ पे आके रहते थे। तो धीरे धीरे इस जगह को फिर कैंटोनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके बाद लोग आते गए, बसता गया, तो फिर उनको चर्च की भी ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर अल्टीमेटली जो है ये चर्च यहाँ पे बना 1840 से, इसी जगह पे मौजूद। चर्च बड़ा खूबसूरत है, मेरे को लग रहा है घंटे का रास्ता जिससे बजाते होंगे, मगर अंदर से हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है ना। तकरीबन 250 लोगों की इसकी सीटिंग की कैपेसिटी बताई जाती है, बट अपना टाइम आ गया थोड़ा सा सीटिंग ढूंढ के कुछ ऑमलेट शॉमलेट खाने का है, हो गए चलो आओ ऑमलेट खिलाएं। ऑमलेट यस चीज without cheese, okay. Thank you. So that must be yours. Ah, okay. That's without a cheese. Different type of omelette. Yeah, they put it in the bun, no? Bun omelette. Hi, dragon. आग उगल रही है इन रियलिटी। यहाँ पे जी बहुत सारे लोग जो है ना पैनकेक खाने के लिए, मैगी खाने के लिए, मोमोज, जो भी ठंड में पहाड़ में बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया जचते है ना, वो एंजॉय करते हैं। हमारा जी क्या रिपोर्ट है तुम्हारी? घर जैसा ऑमलेट। हेलो सर, सर बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दिल्ली का ही हूँ। अच्छा दिल्ली से ही? फरीदाबाद से ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी यहाँ के मैं चाह के भी आपको ड्रोन शॉट्स नहीं दिखा सकता क्योंकि ये कैंटोनमेंट एरिया, तो यहाँ पे फ्लाइंग अलाउड नहीं है, मगर इस तरफ जो ना इसकी वॉकिंग ट्रेल है जो 1 किलोमीटर जाती है आगे की तरफ, जहाँ हम जाने वाले हैं जो शहर का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बट हमने सोचा गाड़ी ले जाए क्योंकि भाई वहीं से निकल जाएंगे, मम्मी साथ ना तो उनको ज़्यादा चलाना है। माई प्रोटीन का सिपर है ना बहुत बढ़िया, अपना फर्स्ट क्लास रहता है, इसके अंदर जो है पानी में भर, वरना सुबह सुबह तो आप ये लगा लो कि यही यूज होता है प्रोटीन शेक पीने के लिए। आज मैं सुबह ना बड़ी एक्सरसाइज कर ली थी वहाँ पे, बट दिन के टाइम पानी की बोतल, और क्योंकि ब्लैक फ्राइडे मंथ चल रहा है तो बड़ा सेल ऑफर डिस्काउंट, बड़ा नॉइज मचने वाला, मगर आपने काम रहना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसपे आप जाके माई प्रोटीन के बेस्ट ऑफर्स के लिए ऑलरेडी साइन अप कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ऑफर आए आपको अलर्ट आ जाए, और साइन अप करने पे आपको फ्री न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जीतने का चांस भी मिलेगा। और आगे जाते जाते आता जी माता जी ये हिस्टोरिक केलॉग मेमोरियल चर्च, और कहते हैं कि यहाँ पे ना इंग्लिश लोगों को हिंदी सिखानी शुरू कर दी थी उस टाइम पे, कभी अंग्रेज वगैरह अपना इधर यहाँ पे काम भी करने हैं जो भी करने हैं, उन्होंने हिंदी जरूरी है, तो इसलिए हिंदी, और आज भी कहते हैं इसके अंदर स्कूल चलता है। अच्छा। हिंदी, गढ़वाली और उर्दू सारी हाँ भाषाएं यहाँ पे सिखाई जाती थी उस टाइम से। अच्छा। और ये जंगल दिखा ना आपको सारा है, देवदार का जंगल है पूरा ए टू जेड, माता जी आजू बाजू देखे देवदार के पेड़ है। ओके दिस इज आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, देखो भैया गाड़ी कहाँ लगा सकते हो, आ गया जी लैंड और बेकर हाउस। चलो आज तो वेटिंग कम है वरना यहाँ बड़ी वेटिंग लगती है। नहीं अब जिस एरिया में जब हम आ गए हैं जी, इसको बोलते हैं सिस्टर्स बाजार, और यहीं पे जो फेमस एक लैंड और बेकरी है वो है। अरे मैडम आइए सीधा ए प्रकाश स्टोर पे। '1928 से यहाँ पे जी ये वाली शॉप मौजूद है, वैसे टिपिकली एक तरीके की ग्रोसरी है, मगर इसकी खास चीज़ ये है कि जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए थे तो वो अपनी जो पीनट बटर होता है ना वो बनाने की इक्विपमेंट यहीं छोड़ गए थे, और इस फैमिली ने उनसे वो इक्विपमेंट खरीद ली और यहाँ पे एक तरीके की फैक्ट्री और वर्कशॉप लगा के ये अब होममेड पीनट बटर बनाते हैं। पीनट बटर जेली एक ले, ओके डेंस चॉकलेट ब्राउन, ओहो ये क्या है भाई, रोज एन आलमंड केक, दिस वन सीम्स वेरी डिफरेंट। ओके मैडम की कैपेचिनो शुरू हो गई है, माता स्पेशल आपके लिए मंगाया रोज एन आलमंड केक, मम्मी पहले चम्मच पाई जा रही है। हाँ चलो चलो चक के देखो,
बढ़िया मीठा नहीं है ज्यादा। हां अच्छा है ना डॉल योर ओ सॉरी ऊपर नहीं गिरी ना कॉफी चलो बचा हो गया This tastes so much like memory. My mom and grandma used to cake something very similar when we were a kid. It's called a pet dessert. There's really no translation. It's a typical French dish. Okay. And it tastes just like that. Nice. Garam garam. तो हम बढ़िया हूँ जैसे मम्मी ने कहा फालतू मीठा नहीं है दिस इज व्हाट आई लाइक मैं सुनो कि खाने के बाद पानी पीना पड़े मीठा डालने के लिए ना यू शुड ट्राई दिस फ्रेश चीज का पता लगा हमारा 860 रुपए का सारी चीजें मिला पुराने पुराने घर बने हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर और ये हमारे घर के सुंदर सुंदर लोग आ गए हेलो प्रिटी गर्ल सुंदर है ना घर That's a really nice setting. Yeah, I know. See, relaxing there on those chairs with a beautiful view. It's a private residence. Trespassers will be prosecuted. बहुत बड़ा नहीं है छोटा हाँ छोटा है मगर बहुत सुंदर Very cozy cottage. This is a perfect space for Airbnb. Yeah, I know. थोड़ी सी पीछे लेनी पड़ेगी सर बस बन जाएगा काम थैंक यू सर थैंक यू ये जो है ना निचला एरिया है सिटी का तो यहाँ पे ये जो रेजिडेंस हैं वो चीपर हैं एज कम्पेयर टू जो ऊपर पर भाई कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है ये तो पीछे स्कूटी वाला भाई बैक कैसे करे उसका दोस्त खींच रहा है दबा ले भाई जी यहाँ पे तो पेशेंस इज द रूल नंबर वन क्या चंबा धनोल्टी आ गए हैं ओके हमने जाना है इस तरफ नीचे ये आगे नीचे दून वैली है नीचे पूरी देखने वाली हाँ सीधा देहरादून उतरे वो जो घंटा घर है वहां से हमने क्रॉस किया था मैंने उससे ड्रोन भी उड़ाया था तो वापस जाते हुए नीचे नीचे से निकल रहे हैं वो सूर्य को ऊपर छोड़ दिया मैं ही निकल रहा यहाँ से सामने से गाड़ी की मेरे को लगा किसने आवाज मारी ओए टीडी इसको भाई एकदम फटाफट रोक ले भाई साहब मुजफ्फरनगर से स्टोरी देख के मिलने के लिए आ रहे तो लिखा बोला तुक्का मैम ऐसे घूम रहे हैं ये ऊपर जा रहे थे फटाफट गाड़ी लगाओ मुलाकात होगी नाम बताओ सर अपने अपने Myself, Saksham from Muzaffarnagar. Saksham bhai. My name is Manan. Manan bhai. Spur Sethi. Spur Sethi. Myself, Rupak. अरे बाप एक बात बताओ बस मेरा इंग्लिश क्यों स्विच हो गए नहीं नहीं ऐसा नहीं इंट्रोडक्शन में एकदम वो थोड़ा नर्वस हो गए एकदम अरे नर्वस होने की जरूरत ही नहीं घर वाली बात है बहुत इंस्पिरेशन मिलती है थैंक यू कभी तो उस लेवल पर पहुंचेंगे आप हमें टेक्नोलॉजी के लिए वो करो कि आपका वेज भी साथ हो हमें भी हम लोग कॉर्पोरेट वाले से हम लोग अच्छा अच्छा ओके 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 हम दोनों मतलब मेरा फाइनल ईयर है तो इंटर्नशिप चल रही है अभी मेरे रिलायंस में अच्छा नाइस 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 क्या पढ़ के रहे हो इंजीनियर हूँ मैं मतलब अच्छा आप बीटेक सीएससी कर चुका हूँ ग्रेजुएट कर चुका हूँ और आप जी बीकॉम
बीकॉम आप मैं इधर आओ फिर मेरा मोबाइल फोन का स्टोर है। अच्छा ओके वेरी नाइस, एंटरप्रेन्योर है भाई।